हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कलियर शरीफ दरगाह कैसे जा सकते हो। दोस्तों, आप कहीं से भी हो, कोई से मतलब आउट ऑफ स्टेट से हो, लेकिन आपको सबसे पहले उत्तराखंड में रुड़की में आना। रुड़की से 7 किलोमीटर दूर कलियर शरीफ दरगाह, जैसे कि अभी मैं रुड़की में खड़ा हूँ, ये गंगा नदी आप देख सकते हो। दोस्तों, आप कहीं से भी हो, अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो हरिद्वार वाली बस, हर जगह से एक बस तो रोज़ की निकलती है। अगर उसके अलावा आपको बस नहीं मिलती तो आपको दिल्ली आना, दिल्ली से डायरेक्ट रुड़की की बस आपको आराम से मिल जाएगी। बाकी अगर आप कहीं से भी हो, हरिद्वार वाली बस में बैठना और रुड़की का टिकट करना है तो रुड़की में आप यहाँ पे आओगे और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कलियर शरीफ दरगाह, तो सबसे पहले आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे कि पीछे देख सकते हो आप, ये गंगा नदी है पूरा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पूरा सीन। और अभी हम लेकर के चलेंगे बाय रोड, आपको दिखाएंगे क्या क्या रास्ते में पड़ता है और आप कलियर शरीफ दरगाह पूरा पीराने कलियर शरीफ दरगाह कैसे जा सकते हो, आपको पूरा नज़ारा बताने वाला है। तो दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। ये पीछे का नज़ारा है, पीछे गंगा नदी है जो आप पूरा ये सीन देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ में ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं पीराने कलियर शरीफ दरगाह। दोस्तों, ये सभी के लिए मतलब सभी का कमेंट आ रहे थे कि हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग मतलब रूहानी ताकतों से परेशान थे, भूत प्रेत काला जादू ऐसी कुछ चीज़ें हुआ करती थी, तो उन सब चीज़ों से सब परेशान थे। तो दरगाह शरीफ का नाम सभी ने सुना था लेकिन कोई जा नहीं सकता था। तो आज हम फाइनली आपको लेकर के चलते और बताते हैं किस तरीके से आपको जाना है, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये ब्रिज दिखेगा, ये गंगा ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये रुड़की है। रुड़की में यहीं से ही आप कहीं से भी टेम्पू, जैसे कि अभी वहाँ भी जा रहा है ई रिक्शा टेम्पू वगैरह, यहाँ से हम भी बैठेंगे और आगे चलेंगे। तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपका स्वागत करेंगे यहाँ के दो बड़े बड़े शेर, जो कि गंगा ब्रिज, गंगा नदी के दोनों साइड में है। यहाँ भी एक शेर है जो कि काफ़ी बड़ा है आकार में, आप देख सकते हो। और अब हम आगे चलेंगे पीरान कलियर शरीफ दरगाह उर्स का माहौल देखने के लिए। आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर ये शेर बाबा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये अभी हम गंगा ब्रिज के ऊपर हैं और यहीं से और आपको मतलब पूरे रुड़की से आराम से टेम्पू मिलेंगे आपको 7 किलोमीटर तक छोड़ने के लिए। आप पर्सनल भी करके जा सकते हो और यहाँ पे सवारी टेम्पू भी है दोस्तों, मतलब सवारी जो भर के चलती है वो टेम्पू, वो पर्सनल भी टेम्पू है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं कलियर शरीफ। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ का किराया भी बता देता हूँ, जो रुड़की से 7 किलोमीटर दूर है तो यहाँ पे अभी एक जने का सिर्फ 20 रुपये किराया है। अगर आप नए आते हो तो उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन अभी हम एक जना 20 रुपये के हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं। 7 किलोमीटर दूर कलियर शरीफ है, वहाँ जा रहे हैं। तो अभी आपको पूरा सीन दिखाएंगे किस प्रकार का माहौल है, आपको पूरी जानकारी के साथ। दोस्तों, उर्स चल रहे हैं तो उर्स में किस प्रकार का माहौल रहेगा आपको पूरी जानकारी देंगे। ये पूरा रास्ता है जो कि कलियर शरीफ का है, 7 किलोमीटर दूर पीरान है कलियर शरीफ है। तो चलिए दोस्तों, आपको बैक कैमरा से नज़ारा दिखाते हैं और सीन दिखाते हैं किस प्रकार का माहौल है। तो दोस्तों, अब हम टेम्पू में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम पीरान कलियर शरीफ दरगाह। तो दोस्तों, आपको इस रास्ते में दोनों साइड हरी भरी वादियाँ आपको नज़र आएगी, हरियाली नज़र आएगी। अभी हमने थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए आपको थोड़ा काफ़ी तेज़ ये वीडियो चलता हुआ नज़र आएगा। तो अभी आगे चलेंगे और लाइव देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर मेला लगता है, मेला ग्राउंड का आपको नज़ारा दिखाएंगे और दरबार के आपको अंदर लेकर के चलेंगे लाइव। दोस्तों, जैसे कि कई जनों के कमेंट थे तो मैंने आपके रिक्वेस्ट में ये वीडियो बनाया है, सिर्फ आपको रुड़की आना है और कहीं नहीं, उत्तराखंड में रुड़की है। रुड़की से आराम से कलियर शरीफ, पीरान है कलियर शरीफ, जहाँ पे भूत प्रेत काला जादू रूहानी ताकतों का इलाज होता है। भूत प्रेतों की अदालत लगती है, भूत प्रेत को जंजीर में बांध के कैद किया जाता है, भूत प्रेत को फांसी दी जाती है, जिन्नातों की अदालत लगती है। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत जिन्नात हो, यहाँ से इन सब चीज़ों का इलाज होता है और दूर होता है। साबिर पिया के दरबार में अदालत लगती है और एक एक करके इन सब। दोस्तों, अब हम आगे तक पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो को थोड़ा मैंने काट काट के दिया है, क्योंकि अगर पूरा वीडियो दिखाता तो ये 7 किलोमीटर का पूरा रास्ता था, ये कम से कम 1 घंटे का वीडियो जाता अगर मैं आपको पूरा रास्ते समेत हर चीज़ आपको दिखाते हुए लाता। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट ले लेकर के आपको रास्ता दिखाया और फाइनली अब हम कलियर शरीफ दरगाह दरबार के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और अभी आगे का नज़ारा देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे उर्स के टाइम में कई जनों के कमेंट आया था कि होटल रूम वगैरह इनकी रेटें क्या है,
तो वो अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे किसी होटल में हम ठहरेंगे और बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे रैन बसेरे भी है, ज़रूरी नहीं है अगर कोई आता है जिसकी भी गुंजाइश नहीं है रहने की, मतलब होटल गेस्ट हाउस में नहीं रह सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रैन बसेरे बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रैन बसेरे बने हुए हैं, पूरा लिखा हुआ है रैन बसेरा, आप यहाँ भी रह सकते हो। जिनों को मतलब दुख तकलीफ है, पैसा नहीं लगा सकते, वे होटल गेस्ट हाउस में नहीं रह सकते, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। यहाँ पे पूरी सुविधा है और अभी हम आ चुके हैं और रैन बसेरा जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे किस प्रकार का माहौल है ये देखिए। और यहाँ पे हम जाएंगे अंदर की ओर और अंदर का सीन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये सिटी बस आपने अभी देखी, बसें भी आती हैं यहाँ पे, छोटी जो बसें हैं वो टेम्पू तो आपको मिल ही जाएंगे, जो कि आराम से 20-20 रुपये सवारी है। और अगर आप आते हो तो इसकी रेट थोड़ी बढ़ भी सकती है, अभी हम तो सिर्फ 20-20 रुपये दे रहे हैं, 20 रुपये के हिसाब से सवारी पे अभी हम आए हैं यहाँ। और यहाँ पे दोस्तों अभी देख सकते हो आप, थोड़ा खाली खाली सा नज़र आएगा, लेकिन दोस्तों शाम तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अभी उर्स का जैसे माहौल है, उर्स स्टार्ट हो चुके हैं 7 अक्टूबर से, उर्स का आगाज हो चुका था, मेढ़ी दौड़ी की जो रस्म है वह निभा दी गई थी, झंडा लग चुका था, तो अभी यहाँ पे अब धीरे धीरे जो भी रस्में हैं सब निभाई जाएगी। तो ये जो आप पूरा ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे पैर रखने तक की दोस्तों जगह नहीं मिलेगी, इतनी यहाँ पे भीड़ होगी साबिर पिया के दरबार में। ये पूरा यहाँ पे विश्व विख्यात नगरी है पीराने कलियर शरीफ, यहाँ से दूर दूर से विदेशों से तक यहाँ पे लोग आते हैं और मन्नत मुरादें मांगते हैं, और जो भी रूहानी ताकतें हैं, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों का यहाँ पे इलाज होता है, सबको फैज मिलता है। तो अभी चलते हैं आगे और आपको दुकानें दिखाते हैं किस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड अच्छी अच्छी होटलें भी हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे जैसा आप लेना चाहते हो, वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा आपको, चिकन बिरयानी, शुद्ध शाकाहारी खाना सब यहाँ पे उपलब्ध है, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कई जनों के पंजाब से कई कमेंट आ रहे थे कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी है क्या, तो दोस्तों यहाँ पे शाकाहारी भी मिलेगा, मांसाहारी भी मिलेगा, जैसा आप लेना चाहो। एक होटल है जहाँ पे सिर्फ शाकाहारी मिलेगा और एक होटल है जहाँ पे मांसाहारी मिलेगा, और एक होटल ऐसी है जहाँ पे दोनों मिलेगा, यहाँ पे सभी प्रकार की होटलें उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखिए दुकानें सजना स्टार्ट हो चुकी है, और अभी आने वाला जो टाइम है यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं, और जो दुकानें बंद है वे भी खुल जाएगी। यहाँ पे पूरे में मेला लगता है और दुकानें ओपन होती है, और जगह तो ये दोस्तों यहाँ पे रैन बसेरे बने हुए हैं। तो अभी हम दरबार के अंदर चलेंगे दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन्हों दोस्तों अपने चैनल पे एक एक करके पीराने कलियर शरीफ में जितनी भी दरगाह शरीफ है सभी की आपको लाइव यहाँ पे ज़्यारत होगी। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को जानकारी देना कि आप कलियर शरीफ दरगाह कैसे आ सकते हो, पीराने कलियर शरीफ दरगाह। आप कहीं पर भी हो दोस्तों, आपके यहाँ से हरिद्वार के लिए बस निकलती है, वही बस रुड़की होते हुए जाती है, और अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं तो आप कहीं भी जो बड़ा स्टेशन है वहाँ जाकर के बस पकड़ सकते हो, या फिर दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली से सीधी यहाँ पे बसें लगती है। और ये पूरा नज़ारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, टोपी वगैरह सब आपको आराम से यहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों शाम के वक्त का जो मार्केट का नज़ारा रहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल तो मैं भी यहाँ पर आया ही हूँ, लेकिन पूरे वीडियो कवर करूँगा और पूरे आपको एक एक करके आपको पूरा नज़ारा दिखाऊँगा। ये फ़िलहाल अभी हम मौजूद है कलियर शरीफ दरगाह के नज़दीक, और अभी हम अंदर चलते हैं लाइव लेकर के आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो यहाँ से ये पूरा सीन दिखा देते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे ढाबे बना रखे हैं, और ये पूरा नज़ारा वो धीरे धीरे ये पूरा शाम होते होते जगमगा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे दरगाह शरीफ की लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत है, नाइट का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा अगले वीडियो में। फ़िलहाल अभी हम अंदर चलते हैं दरबार में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, हम गेट के नज़दीक आ चुके हैं, मेन गेट, और यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे जूते चप्पल बैग जो भी आप जमा कर सकते हो, ये लिख रखा है यहाँ पे 5 रुपये, मतलब चप्पल की जोड़ी है, बैग की 10 रुपये है। और ये दरबार, दरबार का नज़ारा। और चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर मेन गेट से, और यहाँ पे मेन गेट के सामने फूल चादर की दुकान है, जो भी आप पेश करना चाहते हो अंदर आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। दोस्तों बस आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और जो कोई भी अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि अपने चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो आते रहते हैं, और ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड दरगाह शरीफ की आपको लाइव ज़्यारत अपने चैनल पे होती रहती है।
और जानकारी से रिलेटेड आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली दरबार के अंदर आ चुके हैं, थोड़ा आपको नज़ारा दिखा देते हैं। ये पूरा नज़ारा यहाँ पे चिराग जो रोशन करा जाता है, तेल जो दिया जाता है, दुख तकलीफ जो भी होती है, दर्द वगैरह से दूर होता है, सब बताया जाता है यहाँ के बारे में। अभी चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों जितने भी अभी लोग हैं यहाँ पे, कई लोगों की हाजिरी चल रही है, अभी कैमरा नहीं घुमाएंगे उनके पास, ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी की दुख तकलीफ ज़्यादा केयर करना सही नहीं रहता। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना। फिर भी दोस्तों एक एक करके सारे वीडियो आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम आए तो यहाँ पे कवरेज करेंगे अच्छी तरह, यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्या कैसे क्या होता है, और जैसे कि पूरी जानकारी के साथ पहले वीडियो बहुत है अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे बज्जू खाना है, सबसे पहले यहाँ पे आकर के हमें शुद्ध होना है, पाक होना है। तो यहाँ पे आप हाथ पैर धो सकते हो, पाक हो सकते हो, शुद्ध हो सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सभी जात सभी धर्म के यहाँ पे व्यक्ति आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात हर धर्म के यहाँ पे आपको व्यक्ति मिलेंगे। तो यहाँ पे जियारत बोलो या दर्शन बोलो, बात एक ही है, आप यहाँ पे आ सकते हो साबित किया दरबार में। अभी हम यहाँ पे बज्जू कर रहे हैं, यहाँ पे शुद्ध हो रहे हैं, पाक हो रहे हैं, फिर हम दरबार में जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ मालूमात पता करेंगे, फिर आपके साथ में शेयर करेंगे अगले वीडियो में। ये दरबार के अंदर अभी हम मौजूद है दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, और आप ये कमेंट भी ज़रूर करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और कलियर शरीफ के नज़दीकी कौन कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताना।